नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की मतलब नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं सभी को गणेश डेयरी फार्म की तरफ से जो है नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि अक्सर हम डेयरी फार्म में नए पशु लाते हैं और नए पशु जो हैं कभी कभी तो आते से खाने लग जाते हैं, पर कुछ कुछ पशु ऐसे होते हैं जो आकर खाने पीने में बहुत परेशान करते हैं, और यदि खाते पीते नहीं है तो फिर बीमार भी पड़ जाते हैं, कई बार ज़्यादा कंडीशन भी खराब हो जाती है और फिर दूध पे भी नहीं चलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसी पर एक वीडियो बनाई जाए कि पशु को हम लाए हैं तो पशु को खाने से कैसे लगाएं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, स्किप मत कीजिए। तो जैसे कि जब भी हम पशु खरीद कर ला रहे हैं, चाहे हम बाहर से पशु खरीद कर ला रहे हैं या हाट बाजार मंडी कहीं से भी पशु खरीद कर ला रहे हैं, तो पशु का जो मिल्क होता है, जैसे कि यदि हम हाट बाजार से पशु खरीदते हैं तो उनका 1 से 2 दिन पहले से अडर लगाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनका दूध नहीं निकाला जाता है, जिसकी वजह से उनका अडर काफी बड़ा दिखता है। वो अडर तो बड़ा दिखता है पर उसमें पशु बहुत तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि उससे 2 से 3 टाइम उसकी मिल्किंग नहीं की जाती है, जिसकी वजह से पशु के शरीर में दूध की गर्मी बनती है। और यही सेम कंडीशन जब हम बाहर से पशु खरीद कर लाते हैं तो जो बाहर का पशु होता है उसका भी हम जब वहां से खरीद कर लाते हैं तो रास्ते में मिल्किंग प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, और मिल्किंग यदि हम करते भी हैं तो पशु जो रास्ते का जो थकान वगैरह है, स्ट्रेस वगैरह है, उससे जो है पशु थकान और स्ट्रेस की वजह से पशु जो है खाने पीने से लगता नहीं है जल्दी से। और जैसे जो हम पशु हाट बाजार से खरीद कर लाते हैं उसको भी यदि अडर वगैरह लगा रखा है तो उससे भी पशु स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि उनके शरीर में जो है दूध की गर्मी बनती है, जब तक उनके दूध नहीं निकलता है तब तक पशु के शरीर में जो है दूध की गर्मी बनी रहती है, जिससे पशु बड़ा बेचैन रहता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप पशु कहीं से भी खरीद कर ला रहे हैं तो पशु का जो दूध है आपको पूरा एक बार में नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि यदि हम पशु का उस समय में एक बार में पूरा दूध निकाल लेते हैं तो पशु को जो है कैल्शियम डाउन की समस्या आ जाएगी, पशु बिल्कुल लटक सा जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले आप जो है पशु को एकदम से दूध मत निकालिए। जैसे आप अभी पशु लेकर आए हैं तो उसका आप जो है आधा दूध निकाल लीजिए, उसके बाद अगले दिन आप जो है उसका दूध पूरा निकालिए। एकदम से पशु का जो है दूध पूरा नहीं निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट ये करना है कि जैसे पहले कोई ने ये गलती अगर कर चुका है कि पशु लाया है उसका पूरा दूध निकाल लिया है, तो फिर आपको जो है उसको एक कैल्शियमस्ट जेल दे देनी है पशु को। क्यों? क्योंकि पशु स्ट्रेस में है, थकान में है, उसके बाद जो है उसका अडर लगा था और आपने उसका पूरा दूध निकाल लिया, जिसकी वजह से उसका कैल्शियम डाउन हो रहा है, तो पशु जो है खाना पीना छोड़ देगा, चाह कर भी पशु पूरा खाना नहीं खाएगा, वो धीरे धीरे बीमार पड़ता जाएगा। तो इस वजह से आप उसको एक कैल्शियमस्ट जेल दे दीजिए, आज एक दे दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे एक कैल्शियमस्ट जेल और दे दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि कभी भी पशु को जब आप बाहर से खरीद कर ला रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर से इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाना है, जितना हो सके आप दवा गोली से कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि जो पशु पहले से स्ट्रेस में होता है उसके बाद हम डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो पशु को जब हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो इससे और पशु ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तो पशु और डर जाता है, क्योंकि एक तो पशु के लिए नए लोग नई जगह होती है। तो इस वजह से जितना हो सके आप प्यार मोहब्बत से पशु के साथ पेश आइए और पशु को इंजेक्शन वगैरह मत लगवाइए, दवा गोली से आप कंट्रोल कीजिए। जैसे आप बाहर से पशु लाए हैं तो थकान वगैरह के लिए आप जो है मेनोलेक्स, पैरासिटामोल और सिराकाइन प्लस, आप सिराकाइन प्लस दीजिए, सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें पैरासिटामोल भी होता है और साथ में जो है सूजन, दर्द, थकान के लिए भी बेस्ट होती है। तो आप जो है सिराकाइन प्लस दीजिए, 2 सिराकाइन प्लस आप सुबह खिला दीजिए और 2 शाम को खिला दीजिए। यदि गुड़ में खा रहा है तो गुड़ में आप गोली बनाकर खिला दीजिए, यदि गुड़ में नहीं खा पा रहा है तो फिर आप डायरेक्ट उसके हाथ हाथ से आप उसके मुंह में ढकेल दीजिए। इसके बाद मान लीजिए आपने ये सब कर दिया, अब भी आपका पशु खाने से नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पशु खाना पसंद करे, सूखा खाना पसंद करे तो आप उसे सूखा दीजिए भरपेट, गीला पसंद करे मतलब हरा चारा पसंद करे तो आप उसे हरा चारा भरपेट दीजिए, भले ही वो फीड वगैरह नहीं खा रहा है तो थोड़े दिन उसे मत खाने दीजिए,
बाकी जिस चीज को वो खा रहा है उससे उसका पेट भर दीजिए, क्योंकि उस समय पशु का पेट भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि पशु पेट भरेगा तो उसको वीकनेस नहीं होगी। वरना यदि हम सोचेंगे कि हम सीधे से फीड खिलाएं और पशु फीड खाना पसंद ही नहीं कर रहा है तो पशु जो है वीक होता जाएगा, तो इससे जो है हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इस वजह से पशु यदि हरा पसंद कर रहा है तो आप हरा खिला दीजिए। हो सके तो जो भी आपके पास सूखा चारा है उसकी सानी बनाइए, जो हमारा जो अपना गेहूं का चोकर आता है उसको मिलाकर आप थोड़ी सी चने की चूरी मिला लीजिए, और गेहूं का जो सुखला होता है उसको हल्का सा गीला करके आप जो है सानी बनाकर पशु को रखिए। यदि पशु पसंद कर रहा है तो आप उसको खिलाइए, नहीं पसंद कर रहा है तो आप हरे की कुट्टी या फिर हरा चारा ये चीज आप खिलाइए। इसके बाद पशु को फीड से लगाना है तो सबसे पहले जो है पशु को आपको बफ काइंड पाउच या पहले से लाकर रख लीजिए, यदि आप बाहर से पशु खरीद कर ला रहे हैं तो एक पाउच आप एक दिन में पूरा उसको घोलकर पिला दीजिए नाल के जरिए। इसके बाद नेक्स्ट डे फिर उसको एक पाउच दे दीजिए। ज्यादा दिनों से ही नहीं खाया तो आप बैक टू बैक 3 दिन उसको सलंग जो है बफ काइंड पाउच दीजिए। साथ में आपको जो है ग्लूकाबोस्ट लाके रखनी है। ग्लूकाबोस्ट आपको एक बार में 200 ml दे देनी है। जैसे आपने पाउच पिला दिया सुबह के समय, अब शाम के समय जो है आप पशु को ग्लूकाबोस्ट दे दीजिए 200 ml। फिर नेक्स्ट डे यही रिपीट करिए, सुबह पाउच और शाम को ग्लूकाबोस्ट। ये दो चीज आप उसको जो है 2 से 3 दिन सलंग चला दीजिए। 3 दिन पाउच खत्म हो जाए तो आप 1 लीटर की ग्लूकाबोस्ट जब खरीद कर लाएंगे तो आपको 5 दिन 200 ml देकर फिर 5 दिन चलानी होगी। 5 दिन में आपकी जो बॉटल है ग्लूकाबोस्ट की वो खत्म होगी। ग्लूकाबोस्ट से जो है पशु में एनर्जी वगैरह रहेगी, ग्लूकोज वगैरह उसको मिलेगा, तो जिसकी वजह से पशु जब खाता नहीं है तो उसके शरीर में ग्लूकोज रहेगा तो पशु जो है एनर्जी भरा रहेगा, पशु सुस्त नहीं होगा। वरना पशु बिना खाए एकदम से लटक जाता है, तो उसकी वजह से हमें जो है पशु को ग्लूकाबोस्ट देना बहुत जरूरी है। साथ में हमने कैल्शियमस्ट जेल उसको दे ही चुके हैं। अब जैसे ही आप बफ काइंड पाउडर जो है पशु को पिलाते हैं एक से मतलब 2 से 3 दिन सलग, तो पशु के जो पेट का जितना भी गंदगी वगैरह जमी होगी वो सारी निकल जाएगी। पशु को बिल्कुल पानी के तरह दस्त लग जाएंगे, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम ग्लूकाबोस्ट दे रहे हैं जिससे पशु जो है सुस्त नहीं होगा। तो पशु का जब पेट पूरा खाली हो जाता है और जो बफ काइंड पाउच आता है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पशु की भूख को खोलते हैं, पशु के रूमन को एक्टिवेट करते हैं, तो पशु जो है भूख जो पशु एकदम से खाने से लगने लगता है। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपका पशु, जब आपका पशु का पेट खाली हो जाएगा तो आपका पशु जो है धीरे धीरे खाने से लगने लग जाएगा, उसकी भूख खुल जाएगी। इसके बाद 3 दिन आपने जब ये चीजें दे दी है और 5 दिन आपने जो है ग्लूकाबोस्ट दे दी है, इसके बाद आप धीरे धीरे जो हिमालय बत्तीसा होती है वो भी लाकर रख लीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा आप उसकी जीवान पर हिमालय बत्तीसा भी लगाने लग जाइए। हिमालय बत्तीसा से जो है पशु की भूख और बढ़ेगी और पशु और ज्यादा खाने लग जाएगा। साथ में इसके बाद आपको जो है 5वें दिन के बाद से पशु को लीवर टॉनिक चला देना है। 100 ml आप रोज दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ में जो भी फीड आप खिलाना चाहते हैं वो फीड आप रखने लग जाइए। सबसे पहले तो पर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पशु ला रहे हैं तो जो जहाँ से पशु आप खरीद कर ला रहे हैं वहाँ का फीड आप थोड़ा सा उसके साथ मंगवाइए, ताकि पशु वहाँ का जो फीड खा रहा था उससे लगा रहे और फिर धीरे धीरे अपना फीड उसमें ऐड करते जाइए, उसका फीड कम करते जाइए। तो इससे पशु को आसानी होती है और आपको भी आसानी रहेगी। तो धीरे धीरे फिर आप जो है आपका फीड स्टार्ट कर दीजिए और आपका पशु जो है खाने लग जाएगा। इसके बाद ज्यादा ही पशु की कंडीशन खराब हो रही है, पशु बहुत दिनों से खाया हुआ नहीं है और अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले पशु को एक ग्लूकोज की बोतल लगवा दीजिए ताकि पशु में थोड़ी सी एनर्जी भरी रहे। उसके बाद ये सारे ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए तो आपका जो पशु है वो खाने से लगने लगेगा। इसके साथ में आप उसको गुड़ भी जरूर से खिलाइए। पर डे का 200 ग्राम जो है गुड़ आपको अपने पशु को जरूर से देना है। खा रहा है तो खिला दीजिए, नहीं खा रहा है तो आप उसका काढ़ा बनाकर भी अपने पशु को दे सकते हैं। पर इन सब चीजों में यदि बहुत दिनों से पशु ने कुछ नहीं खाया है तो मीठा सोडा कभी भी ना खिलाएं, वरना इसका उल्टा असर हो जाएगा। मीठा सोडा जब पशु खाता है तब दीजिए तो आपको फायदा करेगा, वरना यदि बहुत दिनों से पशु ने कुछ नहीं खाया है तो आप मीठा सोडा कभी भी पशु को ना खिलाएं। तो किसान भाइयों ये कुछ ट्रीटमेंट है, और जैसा कि फिर जब आपका पशु खाने से लग जाए
जैसे आपने इतने ट्रीटमेंट कर लिए, पशु खाने लग गया है धीरे धीरे, तो इसके बाद आप उसकी तुरंत डीवर्मिंग कर दीजिए एक अच्छे डीवर्मर से। डीवर्मिंग करने के लिए थोड़ा सा समय लीजिए, क्योंकि पशु आता है थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि डीवर्मर जब हम एक अच्छा यूज़ करते हैं तो पशु को दस्त भी लगते हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा रुक कर उसकी डीवर्मिंग करिए। डीवर्मिंग होने के बाद 100% जो है आपका पशु जो भी आप उसको खिलाएंगे वो खाने लग जाएगा और दूध पर भी चलने लग जाएगा, और थोड़े दिनों बाद फिर आप उसको एक कैल्शियम लगवा दीजिए डॉक्टर से कहकर। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी बहुत लोगों के काम आती है और आएगी। यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।